Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a smart paragraph and it is on health is wealth. I'm damn sure you will like this paragraph and also it helps you in improving your English. So let's we start to read this paragraph and I'm going to explain it in Hindi also. So let's we start. If a man is ill, agar koi insaan bimar hai, not even all the wealth of the world कैन ब्रिंग हिम हैप्पीनेस. तो दुनिया भर की दौलत, दुनिया भर की शोहरत उसके लिए खुशियाँ नहीं ला सकती, क्योंकि वो बीमार है. उसके लिए उन खुशियों का कोई यूज़ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसको पहली रिक्वायरमेंट है कि उसकी बॉडी फिट हो, और फिटनेस ही उसको हैप्पीनेस, उसके लिए हैप्पीनेस ला सकती है, उसको हैप्पी कर सकती है, लेकिन दौलत शोहरत उसको खुश नहीं कर सकती. ओके, ही विल फील माइजरेबल विथ पेन एंड फेयर. वो जो है बहुत ही पेन फील करेगा, बहुत ही डर महसूस करेगा. येस, द अल्टीमेट फियर ऑफ डेथ, कि उसको बार बार ये डर लगेगा कि वो मर जाएगा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से बीमार है, और क्योंकि वो बीमार है तो उसको काफ़ी ज़्यादा बॉडी में पेन एंड काफ़ी ज़्यादा सफरिंग्स भी है जिसके साथ वो जूझ रहा है. On the other hand, if a man is healthy, और दूसरी तरफ अगर एक इंसान है और वो हेल्दी है, he can work hard, वो बहुत मेहनत कर सकता है, and hope to become wealthy one day, और वो ज़्यादा मेहनत से एक आशा रखेगा कि वो एक दिन बहुत ही रिच बन जाएगा. तो पढ़ते हैं दोबारा से. If a man is ill, not even all the wealth of the world can bring him happiness. He will miserable with pain and fear. Yes, the ultimate fear of death. On the other hand, if a man is healthy, he can work hard and hope to become wealthy one day. At least he will be able to eat well and sleep well and feel happy. Kam se kam uske saath kya hoga? कि जो हेल्दी पर्सन है वो अच्छा खाना खाएगा, हार्डवर्क करने के बाद अच्छी तरह सोएगा, हैप्पी फील करेगा. वट इज़ द यूज़ ऑफ मटीरियल वेल्थ अनलेस ए पर्सन कैन इन्जॉय इट. और मटीरियल वेल्थ यानी कि मटीरियल वेल्थ जिसको हम बोलते हैं कि हमारे पास दौलत शोहरत एंड रिचनेस है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम उसको इन्जॉय नहीं कर सकते. ठीक है, देयरफॉर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए पर्सनस लाइफ. इसलिए जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ में. हाउ कैन वी स्टे हेल्दी. अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर हेल्थ इतनी इम्पॉर्टेंट है तो हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं. तो हेल्दी रहने के कुछ तरीके हैं जो मैंने बहुत शॉर्ट वे में बताए हैं. प्रॉपर फूड, रेगुलर हैबिट्स एंड इनफ एक्सरसाइज कैन हेल्प अस स्टे फिट. अगर हम प्रॉपर फूड लें, रेगुलर हैबिट्स, अपनी हैबिट्स जो हैं रेगुलेट करें, दैट मीन्स पंचुअल हों, टाइम के पंचुअल हों, रेगुलर टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ करें, एक्सरसाइज करें, फूड प्रॉपर लें, अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे ऐसे हम. तो ये सारी चीज़ें जो हैं हेल्प करेंगी कि हम फिट रहें. ओके, आइए एक बार इसको रीड कर लें. इफ़ ए मैन इज इल, नॉट इवन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी एक्चुअली थोड़ा ब्लर आ रहा है, मैं इसको नीचे रखती हूँ, अब पढ़ती हूँ. इफ़ ए मैन इज़ इल, नॉट इवन ऑल द वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड कैन ब्रिंग हिम हैप्पीनेस. ही विल फील माइजरेबल विथ पेन एंड फियर. येस, द अल्टीमेट फियर ऑफ डेथ. ऑन द अदर हैंड, इफ़ ए मैन इज़ हेल्दी, ही कैन वर्क हार्ड एंड होप टू बिकम वेल्दी वन डे. एटलीस्ट ही विल बी एबल टू ईट वेल एंड स्लीप वेल एंड फील हैप्पी. वेल में डबल एल जो है मैं प्रॉपरली बना देती हूँ, एक्चुअली ऐसे होगा ये डबल एल, वेल. वट इज़ द यूज़ ऑफ मटीरियल वेल्थ अनलेस अ पर्सन कैन इन्जॉय इट. एक मटीरियल वेल्थ का कोई यूज़ नहीं है अगर पर्सन उसको इन्जॉय नहीं कर सकता. सपोज़ कीजिए एक पर्सन है, उसके पैर ही नहीं है, तो वो क्या करेगा बाइक का. अगर उसको कोई बाइक गिफ्ट कर देता है, वो क्या करेगा, उसको कोई टूर एंड ट्रैवल्स के गिफ्ट टिकट्स गिफ्ट कर देगा, कोई फ्री में टूर एंड ट्रैवल्स का पैकेज उनको पकड़ा देगा, तो वो क्या करेगा, वो कैसे इन्जॉय करेगा अगर वो वहाँ तक जा ही नहीं सकता. देयरफॉर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ए पर्सनस लाइफ.
How can we stay healthy? Proper food, regular habits and enough exercise can help us stay fit. तो ये पैराग्राफ सिर्फ इंग्लिश समझने के लिए या फिर हिंदी समझने के लिए नहीं है, बट इसकी मॉरल वैल्यू भी बहुत है कि हमारी असली वेल्थ हमारी हेल्थ है, हमारी गुड हेल्थ है. आइए इसको आगे रीड करें. सिंस ए साउंड माइंड एग्जिस्ट ओनली इन ए हेल्दी बॉडी. एक हेल्दी माइंड एक हेल्दी बॉडी में जो है एग्जिस्ट करता है, सबने सुना है. उसी तरह से अगर हेल्दी और साउंड माइंड चाहिए होता है, बहुत ही इंट्रैक्टिव और बहुत ही एक्टिव माइंड चाहिए होता है, तो वो एक हेल्दी बॉडी में ही होगा. वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट आवर हेल्थ. तो हमारी हेल्थ के लिए हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारी हेल्थ अच्छी है तो हमारा माइंड अच्छा रहेगा, और हमारा माइंड अच्छा है तो हम अच्छा फील कर पाएंगे, दूसरों को अच्छा फील करवा पाएंगे. एंड सारी चीज़ें जो हैं माइंड से ही कनेक्टेड होती हैं. देयर इज़ नो एक्सेगरेशन इन द सेइंग दैट हेल्थ इज़ वेल्थ. इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, एक्सेगरेशन नहीं होगी कि हमारी हेल्थ ही हमारी रियल में वेल्थ है. तो अगर आपको पसंद आया हो तो ठोको थम्स अप. तो बाय बाय, हैव अ गुड डे.